दोस्तों क्या आप जानते धीरू भाई अंबानी 10वीं फेल होने के बाद भी उन्होंने बिजनेस में इतनी महारत कैसे हासिल की, जिसे अपने खाने का इंतजाम करने के लिए रोड पर पकोड़े बेचने पड़े हो। उसने इतना बड़ा बिजनेस एम्पायर आखिर कैसे खड़ा कर दिया? और क्या आपको पता है धीरू भाई अंबानी इतने सारे बिजनेस कैसे संभालते थे? दोस्तों धीरू भाई के बारे में आज हम उनकी फैमिली हिस्ट्री, उनके स्ट्रगल और बिजनेस एम्पायर के बारे में शुरू से जानने वाले। कहानी की शुरुआत गुजरात की चोरवाड़ से होती है, जहां 24 दिसंबर 1932 को धीरू भाई का जन्म हुआ। उनके पिता एक स्कूल टीचर और माँ हाउसवाइफ थी। परिवार की इनकम इतनी कम कि घर का खर्चा भी बड़ी मुश्किल से चल पा रहा था। धीरू भाई जूनागढ़ के एक स्कूल में पढ़ाई करते थे और एक एवरेज स्टूडेंट थे, पर लीडरशिप की क्वालिटी उनमें बचपन से ही थी। जब वो हाई स्कूल में पहुंचे तो उनके पिता ने उन्हें जूनागढ़ से वापस बुला लिया, क्योंकि उनकी हेल्थ ठीक नहीं रहती थी और पढ़ाई के खर्च के लिए अब पैसे भी नहीं बचे थे। धीरूभाई अपने परिवार की हालत देखकर फल और नाश्ता बेचने लगे, जिससे कि घर का खर्च चल जाए। लेकिन इस काम में कुछ खास फायदा नहीं था। फिर वह गाँव के पास एक धार्मिक और टूरिस्ट प्लेस में पकौड़े बेचने का काम शुरू कर दिए, लेकिन ये काम भी आने जाने वाले टूरिस्ट पर ही डिपेंड करता था। फाइनेंशियल कंडीशन और बिगड़ती चली। अब उनके रमणिक भाई के पास विदेश जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। दरअसल रमणिक भाई उनके बड़े भाई थे और खाड़ी देश यमन के आवेदन में कोई छोटी मोटी नौकरी करते थे। 17 साल की उम्र में धीरू भाई एडन चले गए, जो कि उस समय लंदन के बाद दूसरा सबसे बिजी पोर्ट था। शुरुआत में वह 300 रुपए महीने पर एक पेट्रोल पंप पर काम किए और फिर बेसी एंड कंपनी नाम की एक ट्रेडिंग कंपनी में क्लर्क की नौकरी करने लगे। धीरूभाई को वहाँ काम करके मजा आ रहा था, क्योंकि बिजनेस और ट्रेड के बारे में उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिल रहा था। और आप उनके कुछ नया सीखने के जुनून को इस बात से समझ सकते हैं कि धीरूभाई अपने कैंटीन के 25 पैसे की चाय छोड़कर पास के एक अच्छे रेस्टोरेंट में 1 रुपए की चाय पीने जाते थे, जिससे कि वह उस रेस्टोरेंट में आने जाने वाले बड़े बड़े बिजनेसमैन की बातें सुन सके और बिजनेस की बारीकी को समझ सके। और इस तरह उन्होंने अपने सपने को पूरा करने के लिए अपने तरीके से बिजनेस की शिक्षा हासिल की और इतना लगन से काम किया कि सिर्फ 2 सालों में ही उन्हें मैनेजर बना दिया गया। अब क्योंकि वो कमोडिटी ट्रेडिंग में काम करते थे, इसलिए उन्हें देश विदेश के लोगों से इंटरेक्ट होना पड़ता था। धीरू भाई को ट्रेडिंग में इंटरेस्ट आने लगा, लेकिन इसके लिए फंडामेंटल्स की जानकारी जरूरी थी। इसलिए पास के ये गुजराती ट्रेडिंग हाउस में वह फ्री में काम करने लगे। दिन भर अपने ऑफिस में क्लर्क की नौकरी करते थे और ऑफिस के बाद उस गुजराती फर्म में काम करते थे। कुछ ही टाइम में वह ट्रेडिंग का सीक्रेट पूरी तरह से सीख गए। अब नॉलेज भी था, एक्सपीरियंस भी था, बस कमी थी कुछ पैसों की, जिससे खुद की ट्रेडिंग की जा सके। और इसके लिए वह कुछ व्यापारियों से मिलकर उनसे इस शर्त पर पैसे उधार लेते हैं कि नुकसान होने पर भी पूरे पैसे वापस करेंगे। और उनका अनुमान इतना सटीक था कि वह जिस कमोडिटी में भी पैसे लगाते थे, उसमें मोटा मुनाफा होता था। उनका दिमाग हमेशा धंधे के बारे में सोचता था। वह पैसा कमाने का कोई भी मौका छोड़ना नहीं चाहते थे। एक बार तो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि यमन के सिक्कों में इस्तेमाल की गई चांदी की कीमत सिक्कों से ज्यादा थी, पर क्या था, वह सिक्कों को मेल्ट करके उसकी चांदी लंदन की एक कंपनी को भेजने लगे और जब तक गवर्नमेंट को पता चलता, वो हम मोटा मुनाफा कमा चुके थे। 1952 में उनके पिता की मौत के बाद कोकिला बेन के साथ उनकी शादी हो गई और 1957 में मुकेश अंबानी का जन्म हुआ। जी हाँ दोस्तों, मुकेश अंबानी का जन्म यमन के एडन में ही हुआ था, लेकिन उस समय यमन में भी माहौल अच्छा नहीं था। अंग्रेजों से आजादी के लिए देश भर में आंदोलन शुरू हो गया था और बाहरी लोग एडन छोड़कर अपने देश वापस जा रहे थे, लेकिन उनके सामने अब चैलेंज था एक नया बिजनेस शुरू करने का। उन्होंने इंडियन मार्केट को जब अच्छे से समझा तो पता चला कि इंडिया में उस समय पॉलिस्टर की मांग सबसे ज्यादा थी और विदेशों में भारतीय मसालों की, लेकिन उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि अकेले अपने दम पर कंपनी स्टार्ट कर सके। इसीलिए उन्होंने अपने कजिन चंपकलाल दमानी के साथ मिलकर रिलायंस कॉमर्स कॉरपोरेशन नाम की एक कंपनी की शुरुआत की और भारत के मसाले विदेश में और विदेश का पॉलिस्टर भारत में भेजना शुरू कर दिया। 4 जून 1959 को धीरू भाई के दूसरे बेटे अनिल अंबानी का जन्म हुआ। धीरू भाई का बिजनेस अब एस्टेब्लिश हो गया था और अब समय आ गया था तेजी से आगे बढ़ने का। 1966 में उन्होंने अहमदाबाद में एक टेक्सटाइल मिल की शुरुआत की और खुद का प्रोडक्शन करने लगे, लेकिन सब कुछ इतना आसान नहीं था, क्योंकि पहले से एस्टेब्लिश कुछ ब्रांड्स टेक्सटाइल मार्केट पर कब्जा जमाए बैठे थे और रिटेलर्स एक नए ब्रांड पर आखिर भरोसा भी कैसे करें। तब धीरू भाई अपनी कार में कपड़ा रखकर रिटेल शॉप्स पर जाने लगे और उनको कपड़े देखकर रिक्वेस्ट करने लगे कि आप माल रख लीजिए और बिक जाने पर पेमेंट कर दीजिएगा, क्योंकि उन्हें अपनी क्वालिटी और प्राइस पर भरोसा था।
धीरूभाई अपने परिवार के साथ मुंबई के भुलेश्वर इलाके में एक छोटे से अपार्टमेंट में रहते थे। धीरे धीरे बिजनेस ग्रो होता रहा और 1973 में उन्होंने अपने बिजनेस को माई नाइलॉन लिमिटेड के नाम से रजिस्टर करा दिया। धीरूभाई अब अपने बिजनेस का विस्तार अलग अलग फील्ड में भी करना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने कपड़ों के बिजनेस को रिलायंस टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के नाम से अलग कर दिया। अब काम इतना बढ़ गया कि उन्होंने अपने बड़े बेटे मुकेश अंबानी को बीच में ही पढ़ाई छुड़ाकर स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से वापस बुला लिया। बाद में अनिल अंबानी भी फैमिली बिजनेस को ज्वाइन किए और इंटरनेशनल बिजनेस पर ध्यान देने लगे। 1985 में टेक्सटाइल बिजनेस का ही नाम बदलकर रिलायंस इंडस्ट्रीज कर दिया गया और अब रिलायंस टेक्सटाइल के अलावा पेट्रोकेमिकल, ऑयल रिफाइनरी, टेलीकॉम, एंटरटेनमेंट और फाइनेंस सेक्टर्स में भी काम करने लगा। और फिर आया साल 2001, जब रिलायंस इंडस्ट्रीज इंडिया का सबसे बड़ा ग्रुप बनकर सामने आया, जिसका रेवेन्यू 60,000 करोड़ को भी पार कर गया। रिलायंस ग्रुप को बुलंदियों पर पहुंचाने के सिर्फ एक साल बाद ही जुलाई 2002 में एक मेजर हार्ट अटैक की वजह से धीरूभाई अंबानी की मौत हो गई और बिजनेस का पूरा दारोमदार उनके दोनों बेटे मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी के कंधों पर आ गई। तो धीरूभाई अंबानी मुनाफे पर ज्यादा ध्यान न देकर अच्छी क्वालिटी के साथ ज्यादा लोगों तक पहुंचना चाहते थे, जो आज भी रिलायंस के बिजनेस कल्चर में साफ दिखता है।